जो कि सौराष्ट्र के अंदर आता है, सौराष्ट्र का वो सौराष्ट्र के अंदर का है। अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो वालीनाथ मंदिर, जहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना जहां पे उन्होंने किया, तकरीबन 900 साल पुराना मंदिर है। और सबसे बड़ी बात निखिल ये देखिए, आज 22 फरवरी है, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन, वहां पर पूजा अर्चना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज 22 फरवरी है, ठीक एक महीने के उसी दिन लगभग उसी समय पर आप देखिए यहां पर वालीनाथ महादेव का शिवलिंग का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, यहां पर जो पहले मूर्ति जो वालीनाथ में मूर्ति थी भगवान शिव की, वो प्रतिमा थी, शिवलिंग का जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तकरीबन 6 दिनों से लगातार यहाँ पे तमाम देश के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और आज जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है उसकी जो मुहूर्त निकला उस पर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। जी जी, पूरे इलाके में अगर हम मेहसाना की बात करें, प्रधानमंत्री का ये गृह जनपद भी है, अगर मेहसाना की हम बात करें प्रधानमंत्री का ये गृह जनपद भी है, और उनको जानने वाले भी यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ उन्होंने काफी समय गुजारा है, बचपन से उनको देखा भी है और उनके साथ रहे भी है, तो वो सारे लोग जो है साथ में जो तमाम इलाके के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिन्होंने उसके बारे में सुना है कहा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ी एक तरीके से के लिए को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वालीनाथ महादेव में शिवलिंग और ये बिल्कुल भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये इसका निर्माण भी यहाँ पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के बाद श्री राम जन्मभूमि के बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का, दोनों तरफ लोगों का आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री को, और सुबह से ही लोग अपने वेशभूषा में नाच संगीत किस भी तरीके से इसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं उस तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खास तौर पर निखिल बात की जाए विकास परियोजनाओं की, तो आज उसके लिए भी विभाग को काफी कुछ मिलने जा रहे हैं। तकरीबन 8,350 करोड़ रुपए की से अधिक की विकास परियोजनाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सड़क की जो कनेक्टिविटी है, गुजरात ने अगर सड़कों का कार्य है तो बहुत सड़कों का जाल बिछा हुआ, अच्छी कनेक्टिविटी भी है, उसको और कैसे विश्व स्तरीय बनाया जाए उसको भी राष्ट्र को प्रधानमंत्री समर्पित कर रहे हैं। साथ साथ रेल कनेक्टिविटी जो दोहरीकरण का है, रेल मार्गों के दोहरीकरण का, विद्युतीकरण का, उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। कई सारी जो परियोजनाएं हैं निखिल, उनको यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसका फायदा जो है वो गांधीनगर की बात करें हम, अहमदाबाद, बनासकांठा, आनंद, मेहसाना के अलावा कच्छ, खेड़ा, यहाँ से जो कनेक्टिविटी की हम बात करें, कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन जैसे काफी क्षेत्र हैं जिसमें की प्रधानमंत्री जो है इन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री थोड़ी देर में शुभारंभ करेंगे, और यहाँ पे जो विशाल जन समूह है उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। मंदिर परिसर को लेकर के मंदिर जिस तरीके से जो भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई है उसको लेकर के भी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं पूरे गुजरात से, अन्य राज्यों से, उनके अंदर भी जो है काफी ज्यादा उत्साह देखा हमने कि वो किस तरीके से, और खास तौर पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबके जुबान पे एक ही चीज था कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला को स्थापित किया, और आज 22 फरवरी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भगवान शिव के शिवलिंग का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। निखिल जी, जी जी, बेहद महत्वपूर्ण है, और जैसा कि शुरू में कहा गया कि अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो आध्यात्मिक चेतना उन्नयन की जो बात है, जो धार्मिक उनके कार्य हैं प्रधानमंत्री के, वो साथ साथ चलते रहते हैं, उसमें उसमें कोई जिसको कहते हैं कि ना कोई विलंब होता है ना कोई उसमें रुकावट होती है। आपने परियोजनाओं की बात कही, आज जो गुजरात को मिलने वाली है, गुजरात के लिए बेहद खास दिन है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आज किस तरह से गुजरात उन्नति के और प्रगति के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर गुजरात की हम बात करें तो आप वाइब्रेंट गुजरात समिट देखिए, आप गुजरात एक मॉडल है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल है जिसकी हर जगह जिक्र होता है। गुजरात के अंदर आप जिस तरीके से गुजरात का ग्रोथ हुआ है पिछले
15-20 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो एक विजन देखा गुजरात के लिए, जिस तरीके से गुजरात के अंदर कनेक्टिविटी पे पहला जो उनका सब प्राथमिकता रही वो कनेक्टिविटी को लेकर था। पूरे गुजरात को बेस सड़क कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, आप देखेंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट, काफी सारे एयरपोर्ट है। किसी अन्य राज्य की तुलना में अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रेलवे स्टेशन आप जाके देखिए, भारत का पहला 5-स्टार रेलवे स्टेशन भी आपको गुजरात में ही मिलेगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, 5-स्टार होटल ऊपर नीचे रेलवे स्टेशन, उसके बगल में महात्मा मंदिर, यहाँ पे की विश्व स्तरीय जो है बैंकिंग और मीटिंग्स होती है, कई समिट होते हैं, साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी जो कि इन्वेस्ट के लिए दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे गुजरात में लेकर आएगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की शुरुआत की। अब सोलर प्लांट की बात करें, कच्छ जैसे इलाके में बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, भूमि है, वहाँ पर पशुपालन को कैसे बढ़ाया और साथ में सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। जो इलाके टूरिज्म की जहाँ पे जरूरत थी, अब कच्छ से लेकर के तमाम सौराष्ट्र का इलाका ले ले, वहाँ पर जो आपके धार्मिक स्थल है वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, तो तरीका एक नहीं रखा उन्होंने, कई सारे अलग अलग हर पहलू को छुआ। यहाँ पर नर्मदा से पानी लेके आया गया, आप समझ सकते हैं, नर्मदा से पानी गुजरात में सप्लाई, यहाँ पे पीने के पानी का कई सारे ऐसे नहर बनाए गए, तो एक तरीके से गुजरात के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काम किया है, उसका लोग यहाँ पर जो उनके जो है दीवाने हैं लोग, लोगों का ये कहना है कि ऐसा जो है पहले 50 से 60 सालों में गुजरात के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को इस स्तर पे लेके आ गए हैं कि आज वो किसी भी राज्य में विश्व में कहीं भी जाते हैं तो अपना सीना चौड़ा करके जाते हैं कि हम खाते हैं और ये हमारा वर्ग। तो प्रधानमंत्री का एक विजन है जो कि गुजरात के बाद अब पूरे देश के लिए दिख रहा है, विश्व स्तर पे भारत जिस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, नई पहचान बना रहा है, वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है जिसको धीरे धीरे जिसका सपना साकार होते हुए हम देख रहे हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर आज की जब हम और ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं मेहसाणा में, समग्र विश्व में भारत की आभा प्रज्वलित करना गुर्जर थराना परोता पुत्र माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी अत्रे पधारी चुक्या छे। स्वागत 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 माननीय प्रधानमंत्री श्री, जोरदार ताड़ियों में गर्जन साथे स्वागत करिए। उपस्थित अन्य मंत्रीगण, माननीय सांसद श्रीओ, माननीय धारासभ्य श्रीओ और अन्य महानुभावों नु पण स्वागत करिए छे। वाणीनाथ महादेव ना पूज्य महंत तथा सर्वे संतो महंतो नु पण आज ना आभव्य दिवसे स्वागत छे। मित्रों, करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था धाम एवं वाणीनाथ महादेव में नूतन शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा करनार, अपनी संस्कृति अने देश ने विकासशीलता ना परम साधक एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नु सर्वप्रथम स्वागत करीशु, जेमा सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने साथे साथे माननीय सांसद श्री सी आर पाटिल साहेब ने विनंती करीश તેઓ સંયુક્ત રીતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશે। ભગવાન ભોળાનાથ કે ભગવાન મહાદેવના જ નટરાજ સ્વરૂપની એક સુંદર પ્રતિમા અર્પણ કરીને આજે વાળીનાથ મહાદેવની નિશ્રામાં આ સાનિધ્યમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા સાથે સાથે સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ દ્વારા। આજે આપણા સૌ માટે પરમ સૌભાગ્યની વાત છે કે વાણીનાથ મંદિર જે સદીઓથી સૌની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે ત્યાં સ્વયં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધારે, આપ સૌની શ્રદ્ધાને ધ્યાને રાખીને ત્યારે આપણે સૌ એકવાર વાણીનાથ મહાદેવનો જય જયકાર કરીને તેઓની ઉપસ્થિતિને વધાવીએ। બોલો, વાણીનાથ મહાદેવ કી, ભારત માતા કી,
સમગ્ર વિશ્વમાં આગુર્જર થરાની સાથે સાથે ભારત દેશની અસ્મિતાને જેમણે અજવાળી છે તેમાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા છે. અભવ્ય નટરાજની પ્રતિમા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તથા માનનીય સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવશે. આપ સૌની તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સ્વાગત કરીશું માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને આભાર. અને હવે મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ મંત્રીગણ દ્વારા પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત, જેમાં માનનીય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાબરિયા, શ્રી ભીખુભાઈ પરમાર, ગુજરાત રાજ્ય સરકાર શ્રીના તમામ માનવંતા મંત્રીશ્રીઓ કષ્ટભંજન દેવની આ પ્રતિમા અર્પણ કરીને તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે માનનીય સાંસદશ્રીઓ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ દ્વારા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત, જેમાં સર્વપ્રથમ શ્રીમતી શારદાબેન પટેલ, મહેસાણાના વરિષ્ઠ સાંસદશ્રી, ત્યારબાદ શ્રી ભરતસિંહ ડાભી, પાટણના માન્ય ધારાસભ્ય માન્ય સાંસદશ્રી, શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, રાજ્યસભાના માનનીય સાંસદશ્રી, શ્રી મયંકભાઈ નાયક, રાજ્યસભાના સાંસદ, શ્રી સરદારભાઈ ચૌધરી, માન્ય ધારાસભ્ય ખેરાલુ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, માન્ય ધારાસભ્ય મહેસાણા, શ્રી કરશનભાઈ સોલંકી, માન્ય ધારાસભ્ય કડી, શ્રી સુખાભાઈ ઠાકોર, બેચરાજીના માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ, ધારાસભ્યશ્રી ઊંઝા, શ્રી મામજીભાઈ દેસાઈ, માન્ય ધારાસભ્યશ્રી ધાનેરા, તથા શ્રીમતી તૃષાબેન પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી, તેમના દ્વારા સ્વાગત. એ પછી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સ્વાગત માટે એ પછીના ક્રમમાં સામૂહિક રૂપે આવવા માટે વિનંતી કરીશું ડેલિગેશન ઓફ ટીમ બીજેપી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિ મંડળને. શ્રી રજનીભાઈ એસ પટેલ, જનરલ સેક્રેટરી સ્ટેટ બીજેપી, શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી ગુજરાત, શ્રી ગિરીશભાઈ રાજગોર, ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રેસિડેન્ટ મહેસાણા બીજેપી, શ્રી વર્ષાબેન દોશી, ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રભારી મહેસાણા બીજેપી, શ્રી એમ એસ પટેલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સ્ટેટ બીજેપી, શ્રી ડોક્ટર જે એફ ચૌધરી, જનરલ સેક્રેટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ બીજેપી, શ્રી ભગાજી ઠાકોર, જનરલ સેક્રેટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ બીજેપી, અને શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, જનરલ સેક્રેટરી જિલ્લા ભાજપ, એ તમામને સાથે મળી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી છે. એ પછીના ક્રમે પૂજ્ય મહંતશ્રી જયરામગીરી બાપુ, એમને સાદર વિનંતી કરશું કે આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. પૂજ્ય મહંતશ્રી જયરામગીરી બાપુના વરદ હસ્તે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન. વાળીનાથ મહાદેવ મંદિર વતી શ્રી દિનેશભાઈ દેસાઈ અને શ્રી રમેશભાઈ દેસાઈને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરવા વિનંતી છે. એ પછીના ક્રમે શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરીશું કે આપ મંચ પર આવી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. રામાયણનું આ પુસ્તક આપ હમણાં જોશો મંચ પર આવી રહ્યું છે સ્વાગતમાં.
42 કિલો વજનનું આ રામાયણ છે અને એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને અર્પણ થઈ રહ્યું છે. શ્રી બાળીનાથ મહાદેવ મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરીશું કે આપ પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. વાળીનાથ મહાદેવનું સ્મરણ કરીએ, એ ગુરુ ગાદીની ચેતનાનું સ્મરણ કરીએ અને ગુજરાત અને ભારતના વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું આ સ્વાગત અને સન્માન અહીં સંપન્ન કરાયું છે. આભાર. અને હવે વિકાસશીલ ભારત દેશ માટે પ્રગતિની પ્રેરક ભૂમિ એટલે ગુર્જર ધરા, એની મહામૂલી સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિના જતન સંવર્ધન માટે અવિરત કાર્યરત માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આમંત્રિત કરીએ છીએ સ્વાગત સંબોધન માટે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. ઉત્તર ગુજરાતની ભૂમિ મહેસાણા ખાતે વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન અને અમૃતકાળના સંકલ્પને સાર્થક કરતા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કુલ રૂપિયા 13,000 કરોડની વધુના વિવિધ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણે સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વ અને સર્વાંગી વિકાસના પ્રહરી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ સી આર પાટીલજી, મહંત શ્રી જયરામ ગીરીબાપુ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત, કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી ભીખુભાઈ પરમાર, સાંસદ શ્રીમતી શારદાબેન પટેલ, શ્રી ભરતસિંહ ડાભી, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, શ્રી મયંકભાઈ નાયક, પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી તથા વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ શ્રીમતી તૃષાબેન પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્યશ્રીઓ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ તથા સંગઠનના પદાધિકારી, રવારી સમાજના સૌ આમંત્રિત મહાનુભાવો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાતના પરોતા પુત્ર તેમજ વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને તરફ વાળીનાથના પવિત્ર ધરા પર 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓ વતી હૃદયપૂર્વક આવકારું છું અને પૂજ્ય સંતો મહંતો ધર્માચાર્યોના ચરણોમાં વંદન કરું છું. માલધારી સમાજની ભક્તિ, શક્તિ અને ઉન્નતિના પ્રતીક એવા 900 વર્ષ જૂના વિરાસત વાળીનાથ ધામમાં નૂતન શિવાલયની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે થઈ છે. તેમના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં ભારતની ધરોહર, વિરાસત અને સંસ્કૃતિનો ડંકો સમગ્ર વિશ્વમાં વાગી રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ વિરાસત બી વિકાસ બીનો સંકલ્પ આપ્યો છે. તેમની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં વાળીનાથ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ધર્મોત્સવની સાથે સાથે વિકાસ ઉત્સવ પણ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં કોઈ પણ ખૂણે જાઓ, વિકાસના કામો અવિરત ચાલતા જોવા મળે છે. આ મોદી સાહેબની વિકસિત ગુજરાતની ગેરંટી છે. વિકાસના કામો નાણાના ભાવે અટકે નહીં, છેવાડાના અંતરિયાળ વિસ્તારોને વિકાસથી વંચિત રહેવું ન પડે એવી સુદળ વ્યવસ્થાઓ મોદી સાહેબે વિકસાવી છે. જે કામો થાય તે લોકોની અપેક્ષા મુજબના અને ક્વોલિટીવાળા થાય. કામો માંગવા લોકોને સરકાર પાસે જવું ન પડે, પણ સરકાર સામે ચાલીને લોકહિતના કામો કરે એવી વિકાસની રાજનીતિ મોદી સાહેબે ઊભી કરી છે. સૌને ભરોસો છે, વિશ્વાસ છે કે મોદી સાહેબ છે એટલે એમને જોઈ તો વિકાસ મળશે જ. આજનો આ વિકાસ ઉત્સવ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતને ઉત્તમ ગુજરાત બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના
ધર્મસ્થાનું અપ્રસ્થાનની પરિપાટી સ્થાપી છે। એ જ રાહે આગળ વધતા બનાસકાંઠાના રીછડિયા મહાદેવ મંદિર અને ત્યાંનું તળાવ તેમજ થોળ અને નરસરોના તળાવના વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત આજે વડાપ્રધાનશ્રી કરવાના છે। ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશને આજે એક જ દિવસમાં 13,601 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ 57 કામોની ભેટ આ ધરતીના સંતાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આપવાના છે। તેમાં આજે આપણે રેલવે, પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ, ઉર્જા તથા નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી એમ કેન્દ્ર સરકારના જુદા જુદા વિભાગના 11 મોટા વિકાસ પ્રોજેક્ટની ભેટ મળવાની છે। આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવતા ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સલામતીની દ્રષ્ટિએ અતિ મહત્વના રક્કરના કામો કરવાની પહેલ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કરી છે। એ દિશામાં દિશા એરફોર્સ સ્ટેશનની એરસ્ટ્રીપનું લોકાર્પણ તેઓ કરવાના છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્યમાં રેલવે અને રોડ નેટવર્કના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહિત વિકાસના કામો આપીને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણની આગવી દિશા દર્શાવી છે। રેલવે અને હાઈવે જેટલો જ મહત્વનો છે હાઈવે, હાઈવે એટલે ઇન્ટરનેટ। ભારતના 6.5 લાખથી વધુ ગામડાની 3.5 લાખ જેટલી પંચાયતોને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી આપવાનો પ્રોજેક્ટ ભારત નેટ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી શરૂ થયો છે। આજે આ ભારત નેટ પ્રોજેક્ટના ફેઝ 2ના રૂપિયા 2,042 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ તેઓ કરવાના છે। વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશના 5 વર્ષમાં જે સ્પીડ અને સ્કેલથી વિકાસના કામો થયા છે તેનાથી વિકાસની આખી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે। મોદી સરકારની વિકાસની આ ગેરંટીને ગુજરાતની જનતા જનાર્દન હૃદયથી આશીર્વાદ આપતી રહેશે તેવો મને વિશ્વાસ છે। આપણે સૌ સાથે મળીને શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણમાં વિકસિત ગુજરાત બનાવીને સહયોગ આપીશું તેવી ખાતરી વડાપ્રધાનશ્રીને આપું છું। ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત કરી વિનમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો। અને હવે આગળ વધીએ આજના આ ભવ્ય સમારોહના મુખ્ય ઉદ્દેશ તરફ। આજના જ દિવસે ભગવાન વાળીનાથ મહાદેવની નિશામાં ગુજરાતની વિવિધ દિશાઓ અને વિભિન્ન ક્ષેત્રોને આશીર્વાદ મળશે વિવિધ અપ્રતિમ વિકાસશીલતાના। સમસ્ત વિશ્વમાં ભારતની અસ્મિતાને અજવાળનાર વિશ્વપ્રિય નેતા, આપણી પ્રગતિના પ્રેરક અને આગુર્જર ધરાના પનોતા પુત્ર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ થકી ગુજરાતના અનેક ક્ષેત્રો અને જિલ્લાઓના વિકાસ માટે રૂપિયા 13,000 કરોડના પ્રગતિસભર કાર્યોનું આયોજન થયું છે। તો આજે આપણા સૌનું પરમ સૌભાગ્ય છે કે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી સ્વયં આ ભેટ આપવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે, ત્યારે સરળ વિનંતી કરીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને આ યોજનાઓના ડિજિટલ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માટે। આજે તો આ વિચાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે નહીં,
कारण के आज तो 500 किलोमीटर लांबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल थी उत्तर गुजरात ना खूने खूने मां नर्मदा ना पानी पहुंची चुका है। खेडूत तो टपक सिंचाई ने अपना भी ने वर्षे 2-3-5 लेता थी गया है। तो शिक्षण ने औद्योगिक विकास तथा रेल अने रोड नेटवर्क ना सुग्रथित इंफ्रास्ट्रक्चर थी उत्तर गुजरात आज उत्तम गुजरात बनी गयु अने आ बधु ज शक्य बन्यु छे अहींना लोकोनी मेहनत थी अने अहींना ज एक सपूत भारतना लोक लाडीला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विजन थी अने तेमणे आपेली विकासनी गारंटी थी। आज तो मोदी जी ना मार्गदर्शन अने मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना नेतृत्वमां मांडर बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ना प्रकल्पो थी समग्र उत्तर गुजरात ना उद्योगो धमधमता बन्या छे। शक्तिपीठ अंबाजी धाम ना विकास कामो नरेश्वरी माता ना आंगणे सरहद टूरिज्म पुरातत्वीय साइट तरीके बड़नगर नो विकास जेवा प्रोजेक्ट्स विकास नी साथे विरासत नो मंत्र साकार करी रह्या छे। अने आजे तरफ वाणीनाथ धाम मा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ना पावन अवसरे मोदी जी फरी एक बार लाव्या छे उत्तर गुजरात माटे ₹13,000 करोड़ થી વધુના વિકાસ પ્રકલ્પોનો ભાર જેમાં સામેલ છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના ₹2,500 કરોડ થી વધુના કામો જે હેઠળ વિશ્વના સૌથી મોટા ગ્રામીણ ટેલિકોમ પ્રોજેક્ટ્સ પૈકીના એક ભારત નેટના બીજા ફેઝના ₹2,080 કરોડના કામોથી રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારો હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીથી સજ્જ થશે। अहमदाबाद खाते ₹315 करोड़ खर्चे बननार ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी विज्ञान रसिको सहित सब कोई माटे आकर्षण नु केंद्र बनशे। गांधीनगर जिला ना शाहपुर खाते 10 एकड़ विस्तार में बनेल गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ना अत्याधुनिक शैक्षणिक भवन में विद्यार्थियों ने अद्यतन लेबोरेटरीज पायलट अने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तथा इंक्यूबेशन सहित नी विविध सुविधाओं एक छत्र हेठळ उपलब्ध थशे। तो गिफ्ट सिटी में ₹120 करोड़ खर्चे निर्माण थना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर नु अत्याधुनिक भवन बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र संशोधन कौशल्य वर्धन अने तालीम नु महत्वनु केंद्र बनशे। तेवी ज रीते राधनपुर सावखियाड़ी रेलवे सेक्शन तेमज मेहसाणा भांडू मोटी दो सेक्शन डबलिंग जगुदर मेहसाणा सेक्शन ना गेज परिवर्तन सहित ना कुल ₹2,300 करोड़ थी वधु ना रेल प्रोजेक्ट्स ट्रेन मूवमेंट अने माल परिवहन ने झड़पी बनावी स्थानिक अर्थतंत्र ने वेग आपशे। तो सड़क परिवहन अने राजमार्ग मंत्रालय ना ₹1,600 करोड़ थी वधुना कामों अंतर्गत मेहसाणा वडनगर ईडर मार्ग ना 4 मार्गीयकरण सहित ना प्रोजेक्ट्स थी परिवहन तो झड़पी बनशे ज साथे टूरिज्म सहित ना उद्योगों ना विकास ने पाए बढ़ मळशे। विकास ना कामो उत्तर गुजरात ने अमृत काल में आधुनिकता ना रंगे रंगशे। वाणीनाथ महादेव ना वरदान अने मां अंबाजी ना आशीष थी उत्तर गुजरात विकसित भारत अने विकसित गुजरात ना निर्माणो नवो अध्याय लखशे। खूब खूब अभिनंदन अने लाख लाख धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री ने। मित्रों आखो भारत देश आजादी नो अमृत महोत्सव उजवी रह्यो छे। मां भारती ना सौभाग्य समान समर्पित सुशासक आ देश ने मळ्या छे जेमनी कार्यदक्षता ने कटिबद्धता थकी समग्र विश्व नी आशा भरी मीट भारत पर मंडाई छे अने आवनारा दायकाओ सुधी भारत नी विकासशीलता नी सुनिश्चितता ना जेवो स्वप्न दृष्टा छे ते छे विश्व ना सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ભારતની જનતાના હૃદય સમ્રાટ યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવો જોરદાર તાળીઓના ગુંજ સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ તેઓના ઉદ્બોધન માટે। જય વાળીનાથ, जय जय वाणीनाथ। परांबा हिंगलाज माता जी की, हिंगलाज माता जी की, भगवान श्री दत्तात्रेय की, भगवान श्री दत्तात्रेय की।
કેમ છો બધા? ઘણા ઘણા બધા જૂના જોગીના દર્શન કરવા મળ્યા, જૂના 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 સાથીઓના દર્શન કરવા મળ્યા. પાજે વાળી નાથે વટ પાડી દીધો. વાણીનાથ પહેલા પણ આવ્યો છું અને એક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે તો રોનક જ કઈ ઓર છે. અને દુનિયામાં ગમે તેટલા સ્વાગત થતા હોય, સન્માન થતા હોય, પણ ઘરે જયારે થાય ને ત્યારે આનંદ ઓર હોય છે. આજ મારા ગામ વાળા મને વચ્ચે વચ્ચે દેખાતા હતા આજે, અને મોસાળમાં આવીએ ત્યારે આનંદ પણ અનેરો હોય. જે વાતાવરણ મેં જોયું છે એના આધારે હું કહી શકું કે શ્રદ્ધા સે આસ્થા સે સરાબોર આપ સભી ભક્તગણો કો મેરા પ્રણામ. देखिए संयोग कैसा है, आज से ठीक एक महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था. वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला. इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला. और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल्कि धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला. और आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का, समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के, रबारी समाज के लिए, रवारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है. देश भर से रवारी समाज के अन्य भक्तगण आज मैं यहां देख रहा हूं, अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं. देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है. आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट,
पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गांधीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी। मैं गांधीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने गांधीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। आप में से बहुत लोग जानते हैं बलदेव गिरी बापू के साथ मेरा करीब 3-4 दशक का बहुत ही गहरा नाता रहा था। जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास स्थान पर उनके स्वागत का अवसर मिला। करीब करीब 100 साल हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे और जब 2021 में हमें छोड़ के चले गए तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रकट किया था। लेकिन आज जब उनके सपने को सिद्ध होता हुआ देखता हूं तो मेरी आत्मा कहती है आज वो जहां होंगे इस सिद्धि को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, हमें आशीर्वाद देते होंगे। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यता के साथ तैयार हुआ है। ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों, श्रमजीवियों के बरसों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, पराम्बा श्री हिंगलाज माताजी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के, परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। शिवधाम श्री वाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है।
और मुझे बराबर याद है मुझे बृहदेवगिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे। पुस्तक परब के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देवकाश और देशकाश का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रवारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रवारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाई और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है इसके दर्शन भी हमें बाड़ीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर, ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है। आज देश के 10 करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। अने अपना उत्तर गुजरात वाणा तो खबर है बराबर के पानी माटे केटली तकलीफो पड़ती थी। बबे 3-3 किलोमीटर माथे बेड़ा लेने जाऊ पड़त। अरे मने याद छे जब मैं सुजलाम सुफलाम योजना करी
ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો એ મહિના કહી ગયા હતા કે સાહેબ આવું કામ કોઈ ન કરી શકે અને તમે જે કામ કર્યું છે ને એ 100 વર્ષ સુધી લોકો ભૂલશે નહીં એના સાક્ષી અહીંયા બેઠા છે સાથીઓ બીતે 2 દશકો મેં હમને ગુજરાત મેં વિકાસ કે સાથ સાથ વિરાસત સે જુડે સ્થાનો કી ભવ્યતા કે લીએ ભી કામ કિયા હૈ દુર્ભાગ્ય સે આઝાદ ભારત મેં લંબે સમય તક વિકાસ ઓર વિરાસત ઉસકે બીચ ટકરાવ પેદા કિયા ગયા દુશ્મની બના દી इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है जब पूरा देश इसे खुश है तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे भाइयों और बहनों कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है इसलिए हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन प्रतीकों को सहजा जाए इन्हें विश्व धरोहरों के रूप में विकसित किया जाए अब आप देखिए वडनगर में खुदाई में नया नया इतिहास कैसे सामने आ रहा है पिछले महीने ही वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं 2800 साल पहले लोग वहां रहते थे 2 लाख में भी कैसे प्राचीन भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं ये भारत के गौरव है हमें अपने इस समृद्ध अतीत पर गर्व है साथियों आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं रेलवे ट्रैक बन रहे हैं ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं आज मेहसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है
इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और मालगाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है। ओडिशा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे उसका भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं। डेढ़ साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। ओडिशा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। साथियों, 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में अवसर बहुत ही सीमित थे। तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था, पशुपालकों के सामने अपनी चुनौतियां थी, औद्योगिकरण का दायरा भी बहुत सीमित था, लेकिन भाजपा सरकार में आज स्थितियां लगातार बदल रही। आज यहां के किसान साल में 2-3 फसल उगाने लगे हैं, पूरे इलाके का जल स्तर भी ऊंचा उठ गया है। आज यहां जल आपूर्ति और जल स्रोतों से जुड़ी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इससे उत्तर गुजरात की पानी की समस्याओं को दूर करने में और मदद मिलेगी। उत्तर गुजरात के किसानों ने टपक सिंचाई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को जैसे अपनाया है वो अद्भुत है। अब तो मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है। आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा। भाई और बहनों, हम इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहजेंगे। अंत में इस दिव्य अनुभूति का भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी।